गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 वैद्युत धारा का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपवहन वेग की परिभाषा अपन देख चुके हैं। इसके बाद आता है अपवहन वेग का गणितीय सूत्र, यानी अपवहन वेग जो है उसका एक गणितीय सूत्र अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रोसेस क्या होगा इसका, यहाँ अपन ने एक चालक ले लिया है। ये चालक जो है, इस चालक के अंदर कई सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो यादृच्छिक रूप से इधर उधर क्या करेंगे, गति करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इधर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन है ये इधर गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है ये इधर गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इधर गति कर रहा है। तो ये एक चालक है और इस चालक के अंदर कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में यदि इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग लें तो एवरेज ऑफ यू बराबर क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। इसके बाद इसी चालक को, ये चालक है अपने पास, और इसी चालक को अपन ने एक बाह्य विद्युत बैटरी के द्वारा जोड़ दिया। तो यहाँ पर एक बैटरी के द्वारा इसको क्या कर दिया, अपन ने संयोजित कर दिया है। ये प्लस माइनस बैटरी है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर मूव करेंगे, यानी इस तरफ की क्या होगी, इनकी गति होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या होंगे, बहने लग जाएंगे बैटरी से जोड़ने के बाद। तो ये सिरा कैसा हो जाएगा, प्लस, और ये सिरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यानी ये चालक है और इस कंडीशन में इनका जो औसत वेग लेंगे तो वो औसत वेग अपवहन वेग के क्या होगा, यहाँ पर तुल्य होगा। ये भी क्या चीज़ है, अपने पास चालक है। तो चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करने से पूर्व सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना है, जीरो है। और चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या होंगे, अपवहित होंगे। इस कंडीशन में उन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ज्ञात किया तो वो औसत वेग यहाँ पर अपवहन वेग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर अपने को क्या होगी, प्राप्त होगी। इसके बाद यदि यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन पर विचार करते हैं, ठीक है, चालक में कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो चालक में कोई एक इलेक्ट्रॉन लें, ठीक है। और चालक में यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक जो वेग है, ठीक है, इसका यहाँ पर प्रारंभिक जो वेग है वो वेग क्या है, u है। इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करने के बाद इसका जो अंतिम वेग है वो वेग क्या है, v है। यानी चालक जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का अपन चयन करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण से पूर्व वेग तो क्या है, u है, और विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के बाद वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। इस कंडीशन में चालक में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्वरण। यदि देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या है, a है, और जो समय लग रहा है u वेग से v वेग को होने में वो समय कितना लगा, t समय लगा, ठीक है। तो v u तो है चालक पर विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण करने से पूर्व किसी इलेक्ट्रॉन का वेग, v है चालक पर अध्यारोपण विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करने के बाद का वेग, ए क्या चीज है, त्वरण है, और टी क्या चीज है, यहां पर समय है। अब यहां पर अपन समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण लें, समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण लिया। इस प्रथम समीकरण की यदि अपन बात करें तो पहले समीकरण को क्या लिखते हैं, v बराबर यू प्लस क्या हो जाएगा, अपने पास ए टी हो जाएगा। यह अपने पास समान त्वरित गति का पहला समीकरण है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण लागू होगा, लेकिन यदि चालक में सभी इलेक्ट्रॉन हैं तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए इस समीकरण को लागू करने के लिए इसके प्रत्येक पद का क्या ले लें, अपन औसत ले लें। तो यहां पर चालक में समस्त इलेक्ट्रॉन के लिए उपर्युक्त समीकरण का औसत लेने पर, औसत लेंगे तो एवरेज ऑफ v, एवरेज ऑफ u, एवरेज ऑफ a और एवरेज ऑफ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये अपने पास चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, यहां पर औसत प्राप्त हो जाएगा। यानी एवरेज u, एवरेज v बराबर एवरेज u प्लस एवरेज a और एवरेज क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब यहां पर जो एवरेज v है, चालक में सभी इलेक्ट्रॉनों का बैटरी से संयोजित करने के बाद औसत वेग किसके बराबर होगा, अपवहन वेग के बराबर होगा। तो यहां से एवरेज ऑफ v बराबर क्या आ जाएगा, vd, एवरेज ऑफ u बराबर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, एवरेज a।
एक ही यदि अपन बात करें तो एवरेज ए को अपन एवरेज ए ही लिख दें फिलहाल, इसका मान अपन निकालेंगे, ठीक है। एवरेज टी, इसका मान भी अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा वी डी बराबर यू प्लस एवरेज ए, और एवरेज क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी यहां से वी डी बराबर एवरेज ए, और एवरेज क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब चालक पर जब विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित किया है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता क्या है, अपने पास ई वेक्टर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, ई है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम है, और जब इसकी त्वरित गति होगी तो यहां पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ए होगा, ठीक है। यदि चालक पर विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करें तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है और E यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m व उत्पन्न त्वरण a है तो f बराबर क्या हो जाएगा, a में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f बराबर m a। अब ये दोनों बल इलेक्ट्रॉन पर लग रहे हैं, विद्युत बल भी और f बराबर m a भी, ठीक है। तो यहां से लिख दिया, अतः एम ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ई हो जाएगा। ए बराबर ई ई अपॉन क्या हो जाएगा, एम। एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, यदि इसमें सारे इलेक्ट्रॉनों का त्वरण ज्ञात करें तो यहां पर ई क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है जो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए समान रहेगा। ई क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह भी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या रहेगी, समान रहेगी। और एम क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यह भी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, समान होगा। यानी यहां से यदि इसका औसत ज्ञात करें समस्त इलेक्ट्रॉनों के लिए तो एवरेज ए का जो मान होगा वो मान भी ई ई अपॉन क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसके बाद औसत समय, औसत समय की यदि अपन बात करते हैं तो औसत समय होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब चालक के अंदर क्या करता है, यादृच्छिक गति करता है, ठीक है, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, और जब इस पर विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करने लग जाता है। इस कंडीशन में कोई एक इलेक्ट्रॉन जब दो क्रमागत संघट करेगा तो उस दो क्रमागत संघट में जो लगा समय होगा वो समय ही औसत समय कहलाएगा, जिसको अपन विश्रांति काल के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहां से एवरेज टी की बात करें तो एवरेज टी यहां पर किसके इक्वल होगा, विश्रांति काल के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहां पर औसत समय जो टी है इसको अपन टॉर्क लिखेंगे, और टॉर्क क्या कहलाएगा, यहां पर विश्रांति काल कहलाएगा, ठीक है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर यादृच्छिक गति कर रहा था, कोई एक इलेक्ट्रॉन, जब उस पर अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित किया तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अपवाहित होने लगेगा, और इस कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत संघट के मध्य लगा जो समय होगा उस समय को ही अपन क्या कहेंगे, विश्रांति काल कहेंगे। अब यहां से इस फॉर्म को देखें, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, वन हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, टू हो गई, और ये जो एवरेज टी बराबर टॉर्क है इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, तीन कह दिया। तो यहां पर समीकरण एक दो व तीन से, एक दो और तीन की यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर वी डी की जगह वी डी है, एवरेज ए की जगह ई ई अपॉन क्या हो गया, एम हो गया, और ये क्या हो गया, यहां पर टॉर्क हो गया। अब यहां देखें, अपवहन वेग एक सदिश राशि है, इसको सदिश रूप में यदि व्यक्त करें तो अपवहन वेग इलेक्ट्रॉनों का इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर क्या है, इस तरफ है। तो इस फॉर्मूले को यदि अपन सदिश रूप में लिखें तो यहां पर क्या आ जाएगा, सदिश रूप में, और सदिश रूप में क्या आ जाएगा, वी डी वेक्टर बराबर क्या आएगा, ई टॉर्क अपॉन एम, और माइनस क्या आ जाएगा, ई वेक्टर। यानी यहां से वी डी वेक्टर बराबर माइनस ई टॉर्क अपॉन एम, और क्या आ गया, ई वेक्टर। ये यहां पर अपवहन वेग का गणितीय रूप है, ये तो एक अदिश रूप में है, और ये किस रूप में, यहां पर सदिश रूप में है। तो इस प्रकार से अपवहन वेग का अपन ने गणितीय सूत्र क्या किया है, ज्ञात किया है, ठीक है। किया क्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूं,
सबसे पहले अपन एक चालक लिया है, चालक के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यादृच्छिक रूप से क्या करेंगे, इधर उधर गति करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एवरेज ऑफ यू बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद इस चालक को एक बाह्य विद्युत बैटरी के द्वारा क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। और जब चालक को एक बाह्य विद्युत बैटरी के द्वारा जोड़ेंगे तो चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या होंगे, अपवहित होने लग जाएंगे। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अपवहित होंगे तो उस कंडीशन में यदि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग लें तो वो औसत वेग अपवहन वेग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये औसत वेग यहां पर अपवहन वेग के क्या हो गया, तुल्य हो गया। ठीक है, अब यहां पर चालक में किसी एक इलेक्ट्रॉन पर अपन यदि विचार करें तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग यानी संयोजन से पूर्व, बैटरी के संयोजन से पूर्व उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू है। बैटरी के संयोजन के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो गया, वी हो गया। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का वेग यू से जब वी हुआ है तो उस कंडीशन में लगा समय जो है टी है और जो उत्पन्न त्वरण है वो क्या है, ए है। तो यहां पर समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण इस इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं तो वी बराबर यू प्लस क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। यदि इस समीकरण को चालक में विद्यमान सभी इलेक्ट्रॉन के लिए लागू करें तो इस समीकरण का क्या ले लें, औसत ले लें। यह निशान किसका होता है, औसत का होता है। तो एवरेज ऑफ वी इक्वल टू एवरेज ऑफ यू प्लस एवरेज ऑफ ए और इनटू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ टी हो जाएगा। यहां पर संयोजन के बाद का वेग किसके बराबर होगा, औसत वेग, अपवहन वेग वीडी के बराबर होगा। संयोजन से पूर्व का औसत वेग एवरेज यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहां से वीडी बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज ए और एवरेज टी, समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब चालक पर विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित किया है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर ईई हो जाएगा। यदि चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान क्या है, एम है, और उत्पन्न त्वरण क्या है, ए है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। यानी यहां पर एफ बराबर ईई और एफ बराबर एम ए, ये दोनों बल क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन पर कार्य कर रहे हैं। इन दोनों को बराबर कर दिया, इससे त्वरण का मान निकाला तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए बराबर क्या आ जाएगा, ई कैपिटल ई अपॉन क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब ये जो त्वरण आ रहा है ए बराबर ईई बाई एम, इसका यदि अपन औसत लें तो औसत त्वरण यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी यही होगा, कैपिटल ई का मान कांस्टेंट है, स्मॉल ई का मान कांस्टेंट है और स्मॉल एम का मान भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस स्थिति में यहां पर एवरेज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईई अपॉन क्या आ जाएगा, एम, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो ये समीकरण नंबर दो आ गई। इसके बाद समय की यदि बात करें, औसत समय, औसत समय को यहां पर टॉर्क के द्वारा व्यक्त किया है और टॉर्क यहां पर विश्रांति काल या संघट्ट काल कहलाएगा। विश्रांति काल या संघट्ट काल क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब उस पर विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अपवहित होने लगेगा और उस कंडीशन में उसकी दो क्रमागत जो संघट्ट होगी अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो उन दो क्रमागत संघट्ट में जो लगा समय होगा उस समय को ही क्या कहेंगे, अपन विश्रांति काल कहेंगे। समीकरण एक दो तीन से मान रख दिए तो VD बराबर क्या आ जाएगा, EE अपॉन M इनटू क्या आ जाएगा, टॉर्क। अब यदि यहां पर सदिश रूप में व्यक्त करें तो यहां देख रहे हैं अपन के अपवहन वेग तो है इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है। तो यहां पर जब इसको अपन व्यक्त करेंगे सदिश रूप में तो VD वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई टॉर्क अपॉन एम और क्या आ जाएगा, ई वेक्टर। तो इस प्रकार से ये एक सूत्र प्राप्त होगा अपने को अपवहन वेग का सदिश रूप में, और ये अपवहन वेग का किस रूप में आ गया, अदिश रूप में एक सूत्र प्राप्त किया है। तो अपवहन वेग क्या होता है उसके बारे में बताया था, उसके बाद अपवहन वेग का गणितीय सूत्र अपन ने क्या किया है, प्राप्त किया है। अपवहन वेग की जो डेफिनेशन थी वो थी अपने पास कि किसी भी चालक पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अपवहित होने लगते हैं और इस स्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो औसत वेग ही क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। तो ये है अपवहन वेग का गणितीय सूत्र। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आती है विश्रांति काल क्या होता है, इसी में अपन ने किया था। तो विश्रांति काल की यदि अपन बात करें विश्रांति काल कहें इसको, या इसका दूसरा नाम क्या है अपने पास, संघट्ट काल।
विश्रांति काल या संघट काल क्या होता है उसके बारे में देखें। इसको अपन ने किसके द्वारा दर्शाया है, टॉर्क के द्वारा क्या किया है, दर्शाया है। तो विश्रांति काल या संघट काल को किसके द्वारा दर्शाते हैं, टॉर्क के द्वारा क्या करते हैं अपन, दर्शाते हैं। होता क्या है, अपन ने क्या किया था, जो एक चालक था इस चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का चयन किया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहा है, अन्य इलेक्ट्रॉन भी गतिशील है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरफ गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरफ गति कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का चयन करें। जब इस चालक पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करेंगे, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ गति करने लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो पहले इधर उधर गति कर रहा था, निश्चित दिशा में गति करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित दिशा में जब गति होगी, तो ये किन्हीं दो अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ जो क्रमागत संघट करेगा, उस क्रमागत संघट में लगा समय ही क्या कहलाएगा, विश्रांति काल या संघट काल कहलाएगा। यानी किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करने पर चालक में उपस्थित कोई एक इलेक्ट्रॉन जब किसी अन्य इलेक्ट्रॉन्स के साथ दो क्रमागत संघट करता है, तो दो क्रमागत संघट में जो लगा समय होता है, उस समय को अपन क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल को अपन टॉर्क के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो विश्रांति काल क्या होगा, यहां पर टॉर्क के द्वारा दर्शाया जाएगा। इसके बाद अगली कंडीशन देखें, अगली जो डेफिनेशन है वो है अपने पास गतिशीलता की। गतिशीलता क्या होती है, तो गतिशीलता की यदि अपन बात करें, तो अगला टॉपिक आता है अपने पास गतिशीलता। इसको अपन म्यू के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो गतिशीलता की यदि बात करें, गतिशीलता होती क्या है, किसी भी चालक है, इस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित किया है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे और उनका अपवन वेग क्या होगा, वीडी होगा, और इस पर अध्यारोपित विद्युत क्षेत्र क्या है अपने पास, ई है। तो यहां पर गतिशीलता होगी कि चालक पर विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करने पर चालक में उत्पन्न अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को क्या कहा जाएगा, गतिशीलता कहेंगे। तो यह हो गया अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ही क्या कहलाएगा, गतिशीलता कहलाएगा। तो ये अनुपात गतिशीलता हो गया, इसको म्यू के द्वारा व्यक्त करेंगे, तो म्यू बराबर वीडी अपॉन में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो गई, एक गतिशीलता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी किसी चालक पर या पवन बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करते हैं, तो चालक में विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवहन वेग से गति करने लगते हैं। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को अपन क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता को किसके द्वारा दर्शाते हैं अपन, म्यू के द्वारा दर्शाते हैं। अब यहां से यदि गतिशीलता का मात्रक और विमाय ज्ञात करें, तो यहां से म्यू बराबर वीडी क्या चीज है, अपवहन वेग है, और अपवहन वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड होता है। ई क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां से म्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये एक मात्रक हो गया, किसका मात्रक कहलाएगा, ये गतिशीलता का मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा, गतिशीलता का। तो गतिशीलता होती क्या है, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से जब गति करते रहते हैं, तो उस चालक पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित किया जाता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से गति करने लगते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग, ठीक है, और क्या चीज़ है अपने पास, अध्यारोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात है, उस अनुपात को क्या कहा जाएगा, गतिशीलता कहा जाएगा। गतिशीलता को म्यू के द्वारा व्यक्त करेंगे, और म्यू बराबर क्या आ जाएगा, वीडी अपॉन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। वीडी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम, तो वोल्ट मीटर वोल्ट पर मीटर लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू का जो मात्रक आ जाएगा, वो मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इनटू क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये यहां पर गतिशीलता का क्या हो गया अपने पास, मात्रक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने पास विद्युत धारा का अपवहन वेग से संबंध।
विद्युत धारा आई का अपवहन वेग वीडी से संबंध, विद्युत धारा आई का अपवहन वेग से अपन क्या करें, संबंध ज्ञात करें। तो इसके लिए अपन एक चालक लिया है, ये चालक है। इस चालक को अपन ने एक बैटरी के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये क्या हो गया, प्लस माइनस बैटरी हो गई। ये क्या हो गया अपने पास, चालक हो गया। ये प्लस माइनस और इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, ई वेक्टर हो गई। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ गति कर रहा है, किस वेग से, अपवहन वेग से, ठीक है। चालक की लंबाई क्या है, एल है, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक। तो यहां से लें, चालक चालक की जो लंबाई है वो क्या है, एल है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। चालक की एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, तो यहां पर चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, यहां पर n हो गई। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो गया, e हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या हो गया, e हो गया। यानी एक चालक है जिसकी लंबाई l है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, e है। तो यहां से यदि चालक का आयतन लें, चालक का आयतन v बराबर a इंटू क्या हो जाएगा, l। तो चालक में आवेश का कुल मान, चालक में कुल आवेश q बराबर v n e या a l n e, यानी q बराबर आ जाएगा a l n और क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर विद्यमान है उस पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र को अध्यारोपित करेंगे वो l दूरी तय करके यहां पहुंचेगा, और उसमें लगा समय क्या है, t है। क्या है, समय t है। यदि चालक में कोई इलेक्ट्रॉन vd वेग से गति करता हुआ कितनी दूरी तय करे, l, गति करता हुआ L दूरी तय करे तथा इसमें लगा समय T है, तो यानी L दूरी को तय कर रहा है और L दूरी को तय करने में लगा जो समय है वो समय कितना है अपने पास, T है। कितना समय है, T समय है, ठीक है। यदि चालक में कोई इलेक्ट्रॉन vd वेग से गति करता हुआ l दूरी को तय करता है तथा इसमें लगा समय कितना है, t है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, वेग। t बराबर l अपॉन क्या आ जाएगा, vd। अब क्यों है, t है, धारा जो होती है आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, चूंकि विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटा समय T, I बराबर Q अपॉन T। मान रख दिया, Q का मान क्या है, A L N E और L अपॉन क्या आ गया, V D। L से L कैंसिल, तो I बराबर A N E और क्या आ जाएगा, V D। ये विद्युत धारा और अपवहन वेग का क्या हो गया, संबंध हो गया। किया क्या है, एक चालक लिया है जिसकी लंबाई तो क्या है, L है,
और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या है, ई है। इस कंडीशन में यदि चालक के आयतन की बात करें तो चालक का आयतन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, यानी वी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा। इसके बाद चालक में आवेश की कुल मात्रा देखें तो चालक के आयतन को इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान से गुणा कर दिया तो यहां से चालक में विद्यमान आवेश का कुल मान Q बराबर क्या हो जाएगा, ए एल एन, और क्या आ जाएगा, E हो जाएगा। इसके बाद यदि चालक में कोई इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग VD से गति कर रहा है और VD से गति करता हुआ वो L दूरी को तय करता है और L दूरी को तय करने में लगा समय कितना है, T है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग, T बराबर L अपॉन क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। समय आ गया, आवेश आ गया। इसके बाद विद्युत धारा की यदि बात करें तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा क्या हो जाएगा, समय, और आवेश बटा समय होगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, I बराबर क्या हो जाएगा, A L N E अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पर समय का मान L अपॉन क्या हो जाएगा, VD, L से L कट जाएगा तो यहां से I बराबर आ जाएगा A N E और क्या आ जाएगा, VD। तो इस तरह से ये अपन ने विद्युत धारा और अपन वेग का संबंध क्या किया है, ज्ञात किया है। तो आज अपन ने तीन टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले तो अपन वेग का गणितीय सूत्र निकाला है, उसके बाद विश्रांति काल क्या होता है उसको डिफाइन किया है, उसके बाद अपन ने देखा है गतिशीलता क्या होती है, उसका मात्रक क्या है उसको ज्ञात किया है, और फिर यहाँ पर अपवहन वेग और विद्युत धारा में एक संबंध को क्या गया अपन ने ज्ञात किया है। ठीक है, इन टॉपिक्स में यदि किसी प्रकार कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क कर उसके समाधान का कष्ट करें। धन्यवाद।